1985 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अर्जन आडवाणी था, हालांकि कुवैत में जन्मे थे। आपको बताना चाहता हूं कि मतलब जो इनके शुरुआती जीवन थे वो कुवैत में ही बीता था, ठीक है, क्योंकि पिताजी बिजनेसमैन थे तो कुवैत में रहते थे। लेकिन आपको पता ही है कि कुवैत की हालत क्या हुई थी भैया, गल्फ वॉर हो गया था ना, इराक ने इन्वेड कर दिया था कुवैत को कि अब तो छोड़ेंगे नहीं, ये पूरी जमीन हमारी है। हालांकि इसके रीजन कुछ और थे, क्योंकि इराक ने इतना ज्यादा पैसा ले लिया था कुवैत से, जब चुकाने की बारी आई कुवैत ने मांगा तो उसने कहा कि अभी चुकाते हैं, तुमको इन्वेड कर देते हैं। 1991 का गल्फ वॉर था, इराक हार गया था। आप देखिएगा, मैंने पूरा इसको कवर किया है, सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी देखिएगा, लाखों लाखों लोगों से देख चुके हैं। तो बहुत भारतीयों को वहां से भागना पड़ा, उसमें से पंकज अडवाणी और उनकी फैमिली भी थी, ठीक है। 6 साल के थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया, बहुत ही कम उम्र में। तो इनकी मदर काजल और इनके बड़े भाई श्री, और बता दूं कि इन्होंने बिलियर्ड्स श्री को ही देखते हुए सीखा। इनके जो भाई हैं वो पार्लर जाते थे, गेम पार्लर जाते थे बिलियर्ड्स खेलने के लिए, ठीक है। अब जब इनके भाई पार्लर जाते थे तो उस समय पंकज बहुत ज्यादा छोटे थे, 7 साल के थे। तो यहां पे पार्लर जा रहे हैं, बड़ी क्लोजली गेम को वॉच करते थे। पंकज की बात करें, 3 हफ्ते तक गए, मतलब जब भी समर हॉलीडेज होती थी तो इनके भाई पार्लर जाते थे, ये भी अकंपनी करते थे। तो एक बार जब समर हॉलीडेज में लगातार पूरा टूर्नामेंट चला, 3 हफ्ते तक गए पंकज आडवाणी, इन्होंने अपने भाई को खेलते हुए देखा, और उसके बाद इन्होंने अपने भाई से बोला कि मुझे भी खेलना है। तो इनके भाई ने बोला कि तुमको खेलना आता है? बोला कि हाँ बिल्कुल आता है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है खेलो। जैसे ही यहां पे पंकज आडवाणी ने क्यू स्टिक पकड़ी, बिलियर्ड्स टेबल में गए, बिंगो, फर्स्ट शॉट सीधा पॉट में गया। जो होल्स होते हैं ना उनको पॉट बोलते हैं, और इस जो बिलियर्ड्स को मतलब मारते हैं, जो शॉट्स खेलते हैं उसको पॉटिंग बोला जाता है, ताकि जो बॉल्स हैं वो होल्स में या पॉट्स में चली जाए। तो पहला शॉट जो है वो पॉट में चला गया। उसके बाद इनका एक मंझे हुए खिलाड़ी के साथ कंपटीशन हुआ इसे देखने के लिए, उस मंझे हुए खिलाड़ी को हरा दिया, अपने भाई तक को हरा दिया। तब यहां पे इनके भाई को समझ में आ गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मेरा भाई, और बिलियर्ड्स में अगर इसको बढ़ावा दिया जाए तो ये कमाल कर देगा। तो पंकज अडवाणी 7 साल की उम्र से बिलियर्ड्स खेल रहे हैं, फैमिली बैंगलोर शिफ्ट हो गई, और उसके बाद वहीं से ही मतलब जो पंकज आडवाणी है वो वहीं पे ही सेटल्ड है। फिर हम ये देखते हैं कि ये तो ही बिलियर्ड्स खेलने की बात, टैलेंट तो है लेकिन उसको पॉलिश करना पड़ता है ना। हीरे की कदर जौहरी को होती है, उसी तरीके से स्टूडेंट को टीचर की जरूरत होती है। बिना कोच के तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में तो आपकी कोचिंग, आपको कोचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो पंकज आडवाणी को कोचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इनकी जो शुरुआती पढ़ाई, पहले हम पढ़ाई पे देख लेते हैं, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल बैंगलोर में हुई, ठीक है। आपको बता दूं कि इनके दोस्त बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड थे, और अभी भी इतने ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, ये जब बोलते हैं इतने शांत हैं, ऐसा लगता है इनको सुनते ही जाए। इनके इंटरव्यू सुनिए, ठीक है, बड़े शांत तरीके से, काम तरीके से रिप्लाई करते हैं, और इसीलिए नो डाउट कि इन्होंने बिलियर्ड्स जीता है, क्योंकि बिलियर्ड काफी लंबा गेम चलता है, जो स्पेशली जो स्नूकर होता है वो काफी लंबा गेम होता है, ठीक है, जैसे टेस्ट मैच होता है, तो उसमें बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं और आपको खेलना पड़ता है, और उसमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत होती है, ठीक है। तो वहां पे अगर आप अपना फोकस खो देते हैं तो आप हार जाते हैं। तो यहाँ पे जो इनका नेचर है, जो इतने शांत रहते हैं, एकदम एकदम कहते हैं ना कि एकदम एक झील की तरह शांत, वो कहावत सुनी होगी, वैसे ही है पंकज आडवाणी बिल्कुल। तो ये चीज है। उसके बाद इनके दोस्त बताते हैं कि बड़े शांत रहते थे और हेड ऑफ द स्कूल थे, पढ़ने में अच्छे थे, स्कूल के हेड बॉय बने। अब जब ये हेड बॉय थे स्कूल के, तो कभी कभी क्या होता था कि अब आपको पता ही कि हेड बॉय को सब कुछ चेक करना होता है कि जूते सही से पॉलिश है कि नहीं, नेल सही से कटे हैं कि नहीं। तो हमारे कभी कभी हम स्कूल का बैज लगाना भूल जाते थे, तो पंकज अडवाणी इसको भी माफ कर देते थे, और इनफैक्ट पैसा देते थे हमको कि जाओ बैज खरीद के ले आओ और कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे थे, कभी किसी को पनिश करते ही नहीं थे। लेकिन दोस्तों ज्यादा इनका स्कूल में इन्वॉल्वमेंट रहा ही नहीं, क्योंकि बहुत ही कम उम्र से ये बिलियर्ड्स खेलने लगे। इन्होंने अपना पहला टाइटल 1997 में जीता, तो 12 साल की उम्र से तो ये बिलियर्ड्स खेलने लगे। अब बिलियर्ड्स खेल रहे हैं, 12 साल की उम्र है, प्लस आपको स्कूल भी देखना है, अपना गेम भी देखना है। हालांकि दोनों में ही बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सेल किया, अपने बोर्ड एग्जाम्स पास किए, उसके बाद इनके पास कॉमर्स की डिग्री भी है SBM जैन कॉलेज से, तो ये बहुत ही अच्छा रहा, ठीक। तो यहां पे जब पंकज आडवाणी को खेलते हुए इनके भाई ने देखा, तो इनके भाई को ही पंकज आडवाणी ने हरा दिया। फाइनल्स में गए,
क्या बढ़िया नजारा था फाइनल्स में, जो गेम पार्लर था, ठीक है, जो टूर्नामेंट्स होते थे, आपको पता ही है कि वहां पे आसानी से आपको बिलियर्ड्स मिल जाएगा, टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वहां पे अपने भाई को इन्होंने हरा दिया, तो भाई बहुत ज्यादा खुश हुए। और उसके बाद जब कोचिंग की जरूरत थी, तब इनको अरविंद सावूर, अरविंद सावूर है खुद भी बहुत बड़े स्नूकर चैंपियन रह चुके हैं, और भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो फादर ऑफ मॉडर्न स्नूकर इनको, इंडिया का अरविंद सावूर को बोला जाता है, और ये खुद भी बहुत बड़े स्नूकर चैंपियन, और काफी इन्होंने चैंपियनशिप जीती है। लेकिन शुरुआत में, क्योंकि पंकज आडवाणी की हाइट बहुत कम है, तो शुरुआत में अरविंद सावूर को लगा कि शायद हाइट कम है तो हो सकता है इतना एक्सेल ना कर पाए, तो शुरुआत में इन्होंने उनको मना कर दिया था, अरविंद सावूर को, कि पंकज आडवाणी को हम नहीं लेंगे। लेकिन जब पंकज को खेलते हुए देखा अरविंद सावूर ने, तो कमाल हो गया। ठीक है, इतने ज्यादा टैलेंटेड और इतनी ज्यादा डेलिकेसी से इनके शॉट्स थे, पॉटिंग गजब, इन्होंने तुरंत विदाउट डाउट पंकज को कोचिंग देनी शुरू कर दी, और उसके बाद देयर वॉज नो लुकिंग बैक। 12 साल की उम्र से ये टाइटल्स जीतते आ रहे हैं, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने, और भारत के लिए तो रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए ही हैं, 21 वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले ये पहले हैं। ठीक है ना, स्नूकर की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको बता देता हूं दोस्तों, एक्चुअली स्नूकर की बात करें तो बिलियर्ड्स और स्नूकर में डिफरेंस होता है। वैसे ये इन सबको क्यू स्पोर्ट्स बोला जाता है, आपने देखा होगा कि बड़ी सी लकड़ी होती है, लकड़ी से मारा जाता है, उसको क्यू स्टिक्स बोला जाता, क्यू स्टिक बोला जाता है, और इसको क्यू बॉल बोला जाता है, और ये सब ऑब्जेक्ट बॉल होती हैं। ठीक है ना, तो इन बॉल्स को मारा जाता है। अगर हम बात करते हैं बिलियर्ड्स और स्नूकर और पूल में क्या डिफरेंस होता है, इन सबको क्यू स्पोर्ट्स बोला जाता है। एक तो टेबल का डिफरेंस होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं स्नूकर में, तो स्नूकर में टेबल बड़ी होती है, 12 फिट बाई 6 फिट की टेबल होती है, और बिलियर्ड्स में या पूल में थोड़ी छोटी टेबल होती है। ठीक है ना, फिर बॉल्स का भी डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, स्नूकर एक काफी लंबा गेम है, ठीक है ना, और बिलियर्ड्स जो है वो थोड़ा छोटा गेम है। बिलियर्ड्स की बात करें तो इसमें कैरम बिलियर्ड्स आ जाता है, जिसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो पॉकेट होता है वो 5 फिट बाई 10 फिट का होता है, फिर कुशन कैरम्स आ जाता है, फिर कुशन बिलियर्ड्स आ जाता है, फिर पॉकेट बिलियर्ड्स आ जाता है, फिर 8 बॉल पूल आ जाता है, ये आपने सुना होगा। तो ये सारे बिलियर्ड्स के फॉर्म है, लेकिन स्नूकर एक काफी बड़ा फॉर्मेट है। स्नूकर की बात करें दोस्तों, और स्नूकर ही मेन होता है, जैसे बोलते हैं ना कि क्रिकेट में टेस्ट मैच मेन होता है, वैसे क्यू स्पोर्ट्स में स्नूकर काफी बड़ा होता है। तो स्नूकर ये 22 बॉल्स का गेम है, इसमें 15 रेड बॉल्स होती हैं, और 15 रेड बॉल्स ऐसे होंगी, और 6 डिफरेंट कलर्स की बॉल्स होती हैं। ठीक है ना, और अब दोस्तों जो रेड बॉल का पॉइंट होता है वो 1 पॉइंट होता है, ठीक है, और उसके बाद जो बाकी बॉल्स होती है, जो बाकी की 6 बॉल्स होती है, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। एक होती है येलो बॉल्स, सबसे पहले 15 रेड बॉल, ठीक है, जिसका 1 पॉइंट होता है, फिर होती है येलो बॉल जिसका 2 पॉइंट होता है, मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताता चल रहा हूं, फिर होती है ग्रीन बॉल जिसका 3 पॉइंट होता है, फिर होती है ब्राउन बॉल जिसका 4 पॉइंट होता है, फिर ब्लू, ब्लू का आपका 6 पॉइंट होता है, सॉरी 5 पॉइंट होता है, फिर उसके बाद आपकी पिंक बॉल होती है जिसका 6 पॉइंट होता है, और ये 5 होगा, ठीक है, उसके बाद आखिरी में आपकी ब्लैक बॉल होती है जिसका 7 पॉइंट होता है। तो टोटल 22 बॉल्स होती हैं, ठीक है, और आपको कैसे खेलना है स्नूकर, सबसे पहले तो आपको ये क्यू बॉल से ऑब्जेक्ट बॉल को हिट करना है, रेड बॉल्स जो है पॉट्स में आपको डालनी है, आपने एक रेड बॉल आपने पॉट में डाल दी, कोई भी पॉट में डाल दी, ठीक है, हालांकि कुछ गेम्स में तो पॉट्स भी स्पेसिफाइड होते हैं कि इस बॉल को आपको इस पॉट में डालनी है, फिलहाल हम स्नूकर की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने एक रेड बॉल को एक पॉट में डाल दिया, आपकी बारी आएगी दोबारा, आप जो मैंने बाकी 7 बॉल्स बताई है डिफरेंट कलर्स, आप उसको एम कर सकते हैं, ठीक है ना, फिर आपने डिफरेंट कलर्स वो आपने एम कर लिया, ठीक है, समझ गए, जैसे कि मान लीजिए आपने एक रेड बॉल यहां पे पॉट में डाल दी, अब आप येलो बॉल या जो भी कलर चाहें उसको आप एम कर सकते हैं, लेकिन आप उसी बॉल को मारेंगे, किसी और बॉल को नहीं छुएंगे, गलती से अगर दूसरी बॉल को छू भी गई आपकी ये क्यू बॉल, दूसरी बॉल को टच भी कर लेती है, तो आपका फाउल हो जाएगा, 4 पॉइंट जाते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद जो भी आपको डेजिग्नेटेड बॉल है आप उसको मारेंगे, ठीक है, उसके बाद उस बॉल के आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, लास्ट ब्लैक बॉल होती है। हालांकि ये जो डिफरेंट, आपने ज्यादातर यही इस तरीके के आपके पूल्स देखे होंगे, ये डिफरेंट गेम होता है, ठीक है, ये शॉर्ट गेम होता है, ठीक है, इसमें एक गया तो दूसरा दूसरा इंसान आएगा वो मारेगा, लेकिन जो स्नूकर होता है, क्योंकि स्नूकर पे ही स्नूकर बहुत इंपॉर्टेंट गेम होता है बिलियर्ड्स में, तो मैं इसीलिए वही समझा रहा हूं, वो बड़ा लॉन्ग फॉर्मेट का गेम होता है, उसमें एक इंसान तब तक मारता रहता है तब
तब तक वो पॉट्स में बॉल को डालता रहता है जब तक उससे मिस नहीं हो जाता, और जैसे ही मिस होगा तो दूसरे इंसान की बारी आती है। समझ गए? तो ये फॉर्मेट होता है, होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, लेकिन जितना आसान मैंने समझाया है उतना है नहीं। मैंने आपको बताया कि मुझे भी बहुत अच्छे से बिलियर्ड समझ में नहीं आता, जितना समझ में आता है मैंने आपको बता दिया। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे अगर मान लीजिए बॉल बाहर चली गई बिलियर्ड टेबल के, तो 4 पॉइंट फाउल होगा। फाउल में अक्सर 4 पॉइंट खोता है इंसान, ठीक है, और भी होते हैं पॉइंट्स, लेकिन मैक्स मतलब 4 पॉइंट तो खोएगा ही खोएगा, ठीक है। आपने अगर किसी बॉल को टच कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने रेड बॉल पॉट्स में डाली, ठीक है, अब जब आपने रेड बॉल पॉट में डाली है उसके बाद अगर जो भी आप कलर बॉल को एम कर रहे हैं उसके अलावा अगर आपने दूसरी बॉल को टच किया तो आपके फिर 4 पॉइंट जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज होती है। हालांकि किसी भी जो भी हमारे श्रोता हैं और अगर जो इस लेक्चर को देख रहे हैं किसी को पूरा बिलियर्ड्स आता है तो जरूर वो कमेंट बॉक्स में बताए। मैं तो भैया सीधा एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे बहुत अच्छे से ये गेम नहीं आता, और मैंने कई बार समझने की कोशिश की, मुझे समझ में भी नहीं आया है, ठीक है। मुझे जितना रूल्स पता है, जो पता है बिलियर्ड्स के बारे में, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाद अगर हम टाइटल्स की बात करें तो पंकज आडवाणी ने अपना सबसे पहला टाइटल जो इंटरनेशनल है IBSF चैंपियनशिप 2003 में चाइना में जीते थे। यासीन मर्चेंट थे पाकिस्तान के थे उस समय फाइनल के। और जब भी पंकज आडवाणी को बोला जाता है कि आपका सबसे फेवरेट मतलब ये क्या सबसे फेवरेट मूवमेंट क्या था और आपने इतनी सारी चैंपियनशिप जीती है तो मेमोरेबल वन कौन सी है, तो पंकज आडवाणी हमेशा यही बोलते हैं कि सबसे मेमोरेबल वन पहली है जो मैंने 2003 में जीती थी, ठीक है, इंटरनेशनल डेब्यू जब किया था IBSF में। और वो जब मैंने और फाइनल में पाकिस्तान के थे और बहुत बड़े स्नूकर चैंपियन थे वो भी, और उनको जब हराया कमाल लगा, वो बहुत ही बढ़िया मोमेंट था मेरा, ठीक है। तो ये चीज है। फिर हम देखते हैं दोस्तों इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने लॉन्ग और शॉर्ट फॉर्मेट्स ऑफ द स्नूकर दोनों ही जीते हैं, और बोथ फॉर्मेट्स ऑफ द इंग्लिश बिलियर्ड्स दोनों ही जीते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद ही ओनली इंडियन है, फर्स्ट एंड ओनली इंडियन है जिन्होंने 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। अब तो खाली वो इंग्लिश बिलियर्ड्स ही खेलते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ 12 साल की उम्र में इन्होंने मतलब जो पहला जो टाइटल था वो इन्होंने 12 साल की उम्र में जीता था, और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। जूनियर बिलियर्ड्स में इन्होंने कमाल किया, इनको बैंगलोर भी भेजा गया, बैंगलोर में जो बिलियर्ड्स फेडरेशन है। और यहाँ पे पंकज आडवाणी का बोलना है कि अगर एक्चुअली हम सिर्फ क्रिकेट पे ही फोकस करते हैं, ठीक है, और पंकज आडवाणी का ये सीधा सीधा बोलना है कि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, मीडिया और स्पोर्ट्स को दिखाता ही नहीं, अगर मीडिया हमारे अचीवमेंट्स को दिखाए तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये बोलते हैं कि हम एकेडमी भी चला रहे हैं और बहुत सारे युवा जो बिलियर्ड्स खेलना चाह रहे हैं उनको ला रहे हैं हम इस स्पोर्ट्स में, और ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा, और यहाँ पे स्कूल्स का बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि पंकज आडवाणी बताते हैं कि जैसे साउथ में बैंगलोर चेन्नई वहां पे तो बिलियर्ड्स स्कूलों में आपको बिलियर्ड्स टेबल मिल जाएंगे, लेकिन बाकी जगह पे आपको बिलियर्ड्स टेबल नहीं मिलेंगे। वैसे बिलियर्ड्स टेबल बड़ी महंगी आती है, ठीक है, 5-6 लाख की पूरी टेबल ही आती है, ठीक है, काफी महंगा स्पोर्ट्स होता है ये। तो यहाँ पे पंकज आडवाणी बोलते हैं कि अगर बच्चों को लाना है तो उनमें ये जागरूकता, ये जो क्यूरियोसिटी है बिलियर्ड्स खेलने की, ये जगानी होगी। वो कैसे आएगी? बिलियर्ड्स टेबल लगाइए, आप उनको मोटिवेट करिए कि आइए गेम खेलिए, और खेल से तो भैया किसी भी देश का नाम रोशन होता है, और उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होगा। तो ये बोलते हैं। जूनियर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन्होंने लगातार 2000, 2001, 2003 में जीती, ठीक है, फिर 2003 में जैसा कि मैंने बताया कि IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती, फिर इन्होंने 2005 में भी उसको रिपीट किया। उसके बाद दोस्तों 27 साल तक 2012 तक यंगेस्ट पर्सन टू विन ऑल द वर्ल्ड टाइटल्स इन इंग्लिश बिलियर्ड ये बन चुके थे, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये लिस्ट यहां पे खत्म नहीं होती, एशियन बिलियर्ड्स में भी इन्होंने कमाल का, चाइना एशिया में चाइना के बहुत सारे चैंपियंस हैं बिलियर्ड्स की बात करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, टोटल इन्होंने 10 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हैं, ठीक है, और बहुत सारी। उसके बाद इनको अवार्ड्स भी मिले हैं, आप देख सकते हैं, इनको सारे जो खेल से रिलेटेड अवार्ड है वो तो सब मिल ही चुके हैं। सबसे बड़ा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको 2006 में मिला, अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है, पद्मश्री और पद्म भूषण इनको हाल ही में मिला, ठीक है ना। तो ये चीज थी। कुछ चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं दोस्तों। जब इन्होंने शुरू किया 1997 से, ठीक है, तो 1997 से लेकर 2003 तक तो इन्होंने जूनियर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीते, ठीक है, जितने भी जूनियर बिलियर्ड चैंपियनशिप हुए। 2003 में इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया, और 2003 में इन्होंने IBSF
वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जो कि चाइना में हुई थी और इनकी सबसे मेमोरेबल है वो जीती। फिर उन्होंने 2004 में WSA चैलेंज टूर किया, वहां पे इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। फिर 2005, 2006, 2007 में फिर से IBSF, 2008 फिर से IBSF में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। फिर उन्होंने यही कारनामा 2012 में किया, ठीक है, 2014 में फिर इन्होंने IBSF वर्ल्ड सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप जीती, 2016 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती IBSF की जो हुई, 2017 में अगेन इन्होंने इस चीज को रिपीट किया और 2018 में भी इन्होंने इस चीज को रिपीट किया। तो बहुत सारी इन्होंने चैंपियनशिप जीती।